नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक सर्कुलर या आप कह सकते हैं एक नोटिस वायरल हो रही है, जिसमें कि जो जयपुर मंडल है अजमेर डिवीज़न के अंदर, जो जयपुर मंडल है उसमें जो एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के जो कुछ पोस्ट हैं उसको डिक्रीज कर दी गई है, ऐसा मतलब कि इस नोटिस के माध्यम से प्रतीत हो रहा है। देखिए, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल ये जो आपके वेबसाइट है आरआरबी के वेबसाइट है वहाँ पे नहीं आया है, ये चीज़ें इंटरनल है। तो क्या डरने की ज़रूरत है? जो लोग अजमेर जोन से अप्लाई किए होंगे जयपुर मंडल में, जिनका कि नियुक्ति होगी भविष्य में जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम या आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के एग्ज़ाम होने के बाद, तो उनको डरने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको डिक्रीज करने की बात इसमें की जा रही है। तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप कूपन कोड ईआर मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ आपको 269 में मिल जाएगा। आप इंडिया के तमाम एग्ज़ाम का एक ही प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो ये वाला जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि इसमें जो विषय जो आपका विषय वस्तु है, और यहाँ पे देखिएगा कि जो डेट है वो दो तीन दिन पहले का ही है, और यहाँ पे देखिएगा प्रपोजल फॉर इंडक्शन डाइवर्जन ऑफ अनयूटिलाइज पैनल्स ऑफ आरआरबी रेफरेंस मेड बाय जोनल रेलवे, और यहाँ पे संदर्भ जो भी आपके पत्राचार संख्या वगैरह है वो चीज़ें हैं। टोटल हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, जो मेन मुद्दे की बात होगी वही समझाएंगे, क्योंकि इसके अंदर की बात करें इतना लंबा लंबा लेटर इधर उधर होते रहता है, मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, उसको हम अगर रेफरेंस मान के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो मोटे तौर पर आपको समझना है वही मैं समझाऊंगा। देखिए, पहले इन्होंने भेजा था, हर एक जो डिवीज़न होता है उसमें ये कैलकुलेट होता है कि अभी फ़िलहाल कितने वैकेंसी खाली है। तो अगर हम बात करें कि जिस समय कैलकुलेशन चल रही थी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली थी, उससे पहले जब कैलकुलेशन हुआ था तो ये आपके इतना मांग रखी गई थी गुड्स गार्ड वगैरह में इतना था, जो कि अब संशोधित करके ये कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर के 264 में से सिर्फ 29 ही अब कहे गए हैं कि इतनी ही वैकेंसी मतलब कि खाली है। तो इतने इतने सारे वैकेंसी क्या आपके सॉरी डिक्रीज कर दिए जाएंगे क्या? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ऊपर ही लिखा है डाइवर्जन, यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ अनयूटिलाइज्ड पैनल ऑफ आरआरबी रेफरेंस, यानी कि अगर आपके कहीं भी कुछ संशोधित होती है तो उस वैकेंसी को डाइवर्ज कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अचानक डिक्रीज की जाती है, इंक्रीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, डिक्रीज होने की संभावनाएं कम होती है। आप कहेंगे कि 2014 वाली वैकेंसी थी जिसमें 4000 वैकेंसी डिक्रीज कर दी गई, वो आपके एग्ज़ाम होने के बाद जो वैकेंसी है वो डिक्रीज भी की गई थी, लेकिन उसको बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे जब भी आपके वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होगी आपको बताया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपके जो कोलकाता की वैकेंसी थी उसमें तकरीबन कुछ 200-250 के तकरीबन वैकेंसियाँ इंक्रीज कर दी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या डिक्रीज कर दी जाएगी, तो देखिए सबसे ये लास्ट ऑप्शन होता है कि वैकेंसी डिक्रीज हो जाए, और यहाँ पे 2 साल की गैप हो गई है 19 में जब ये नोटिफिकेशन आया था। हालांकि इसमें नोटिफिकेशन यहाँ पे जो जिसको रेफरेंस दिया गया है वहाँ पे ये वाला थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 01 होगा, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। अब देखिए, यहाँ पे सपोज जयपुर मंडल में आप मान के चलो कि चलो ठीक है डिक्रीज हो गया, लेकिन ये 2 साल का गैप 20 और 21, या आप मान लो आधा 19 भी, तो यानी कि ज्वाइनिंग करते करते 22-21 पता नहीं कहाँ तक जा सकता है, 22-23 कहीं भी जा सकता है। तो इस दरमियान भी बहुत सारी वैकेंसियाँ होगी वो खाली होगी। तो ये जो अगर यहाँ पे अभी हालांकि ये पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये अभी दिया गया है रेफरेंस के, तो मतलब कि ये लेटर को फॉरवर्ड किया गया है, अभी फाइनल यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर डिक्रीज सपोज हो भी जाती है तो ये जो 3 साल का गैप हो जाएगा, या जो भी ज्वाइनिंग के समय 3.5 साल या 4 साल का गैप हो जाएगा,
तो उस दरमियान भी बहुत सारी वैकेंसियां खाली होगी, तो वहां पे डाइवर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो अजमेर जोन है, अजमेर जोन में ही ये वैकेंसियां डाइवर्ज कर दी जाएगी, या अजमेर से कहीं और भी जगह वैकेंसियां डाइवर्ज कर दी जाएगी। टोटल कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल वैकेंसी पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो अहमदाबाद जोन में, सॉरी जो ये इलाहाबाद जोन है वहाँ पे भरे थे एलपी का, और उनका पोस्टिंग हो गया अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि उनका जो पैनल है उनको बताया और चॉइस दिया जाता है कि हमारे पास यहाँ वैकेंसी नहीं है, तो आप इस जोन में हमारे पास वैकेंसियाँ हैं, तो इसमें से आपको चूज करना है कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बाद में ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। हालाँकि ऐसा मतलब कि कम ही चांस है कि दूसरे जोन में ट्रांसफ़र किया जाता है वैकेंसियाँ। सेम जोन में अगर वैकेंसियां नहीं रहती है तब जाके दूसरे जोन में वैकेंसियां ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे चार पांच जोन डिवीज़न हैं अजमेर में, तो चार डिवीज़न होने की वजह से जो अन्य डिवीज़न में कुछ वैकेंसियां खाली जैसे ही होगी उसको वहाँ पे डाइवर्ज कर दिया जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते रहिए। ये जो अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और जितने भी वैकेंसियाँ हैं वो एज यूजल तो रहेंगी ही, और जैसे ही बढ़ती है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आपके मतलब जितने भी आपके वेबसाइट हैं उस पर आ जाती है। जैसा कि कोलकाता के वेबसाइट पर आ गई थी कि कुछ वैकेंसियाँ वहाँ बढ़ी थी। तो और घटने की बात है तो ये एकदम से रेयर चांस है कि घटेगी, क्योंकि हमेशा वैकेंसियाँ जनरेट होती है, घटती बहुत कम ही है। तो ये मन में अभी से दुविधा मत पालिए कि अगर आप अजमेर जोन में फिल किए हैं तो कि आपकी वैकेंसी घट जाएगी, आपका कंपटीशन हाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जितने भी वैकेंसी हैं वो रहेगी, वो अलग बात है कि डिवीज़न उस डिवीज़न में ना हो के दूसरे डिवीज़न में आपकी वैकेंसियाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी डिटेल चीज़ें आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि क्या कारण है इस पद को कम करने के लिए, वो सब चीज़ें मेरे पास आ रही है, इकट्ठा होगी जैसे ही मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।